तो अवैध खनन पर बड़ी खबर यह है कि खनन इंस्पेक्टर को धमकी मिली है और आरोप है कि जान से मारने की धमकी देने का जो आरोपी है। बालू लदे ट्रक का चालान काटा था जिसके बाद उन्हें धमकी दी गई। आरजेडी विधायक के भाई पर यह आरोप लगा है। खनन कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ का भी आरोप है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, आप देखिए किस तरह से जो खनन माफिया है धड़ल्ले से वो खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, और जब उन्हें रोकने की कोशिश होती है तो पुलिस को भी वो धमकी दे देते हैं। खनन इंस्पेक्टर को धमकी का ये पूरा मामला है, जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बालू लदे ट्रक का चालान काटा था जिसके बाद आरजेडी विधायक के भाई पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने खनन इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दी और खनन कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब खनन माफियाओं ने इस तरह से पुलिस टीम पर हमला किया हो या पुलिस वालों को धमकी दी हो। इससे पहले भी इस तरह की घटना बिहार में हम देखते रहे हैं और फिलहाल अभी ये ताजा मामला देखने को मिला जहां खनन इंस्पेक्टर को धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, खनन इंस्पेक्टर को धमकी दी जा रही है, मतलब पुलिस वालों को ही अगर बदमाश दिन दहाड़े धमकी देंगे तो इससे ज्यादा और क्या कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए जाएं? क्या इसमें जांच हो पाई है अभी तक? बिल्कुल सही कहा आपने और वाजिब सवाल उठाया कि सुशासन पर एक बार फिर से बड़ा सवाल है। खनन निरीक्षक हैं, उनके कार्यालय में जाकर, और वो भी कार्यालय जो है वो राजधानी पटना के बीचों बीच है, वहाँ से थाने की दूरी महज चंद कदमों की है, और वहाँ पर एक दबंग विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, और जो खनन निरीक्षक हैं उनका आरोप है कि ये विधायक के जो भाई हैं वो आए अपने गुंडों के साथ कार्यालय में तोड़फोड़ की, उसके बाद फोन पर जान से मारने तक की धमकी दी, गाड़ी से कुचलने तक की धमकी दी। इस बाबत जो पीड़ित खान निरीक्षक हैं उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा दिया है और इस पूरे मामले की अब छानबीन शुरू हो चुकी है। हालांकि सत्ताधारी दल का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि एक खान निरीक्षक आखिर झूठ क्यों बोलेगा, क्योंकि वो उसी सरकार का हिस्सा है जिस सरकार के ये जो दबंग विधायक है जिसके भाई ने यह सारा कारनामा किया है, आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी घटना है सीवान की, एक बार फिर से सीवान में सुशासन पर सवाल उठने लगा है। देखिए, ग्यासपुर इलाका है, कुख्यात अपराधी अयूब और रईस का ये गांव है, वहां पर पुलिस की जो टीम है वो शराब माफिया को पकड़ने पहुंची थी। रितेश, आप बने रहिए, इसी खबर पर लौटूंगी आपके पास। रितेश, इसी खबर पर लौटूंगी।